हेलो भैया, अपने हाथ में रहने वाली है लॉर्ड की। ये इकलौती एक सी मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली गाड़ी है जिसकी एक अलग पहचान है भाई। जब रोड पर चलती है ना, लोग इसको देखते हैं, मिनी स्कॉर्पियो के लुक में आती है। गाड़ी को गजब तरीके से बनाया गया है भाई, इसका पार्ट्स उसका पार्ट्स मिला के एक अलग तरीके की लुक दी गई है। कभी ये पीछे से अलग देखने में लगती है, सामने से स्कॉर्पियो जैसी लगती है। गाड़ी ऐसी बात नहीं है भाई, ख़राब है, बहुत अच्छे हैं, रिफाइनमेंट इंजन के साथ आती है। जिन लोगों के पास भाई पैसे नहीं है, लेकिन हाँ यार गाड़ी दिखानी है, SUV वाली फील लेनी है, तो ये गाड़ी अच्छे से आपको दे देती है SUV वाली फील। बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो आपको 1 लीटर का इंजन देखने को मिलता है। अराउंड 56 BHP से लेके 66 BHP ऑफ पावर प्रोड्यूस करती है CNG, और पेट्रोल में 89 Nm के टॉर्क से लेके 82 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है CNG। और पेट्रोल में आपको 65 BHP देखने को मिल जाएगी, और वहीं बात कर लेते हैं न्यूटन मीटर, तो 89 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। गाड़ी की माइलेज है भाई साहब 25 Kmpl से लेकर 26 Kmpl तक की माइलेज। फ्रंट में आपको एकदम सिंपल प्लास्टिक देखने को मिल जाएगी, हैलोजन लैंप्स, इंडिकेटर्स, टॉप एंड वेरियंट अगर लोगे तो वहाँ पे DRLs भी दिए जाते हैं। इस गाड़ी में आपको क्रोम की फिनिशिंग दी जाती है, सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा छोटी है, पर ऑल्टो से थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आती है। मतलब एक ऑल्टो अलग सेगमेंट हो गई और ये अलग सेगमेंट होगी, आती है सिमिलर ही इंजन के साथ, पर भाई कंसीडर तो ऑल्टो ही करते हैं लोग। फेंडर्स में इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। 14 इंचेस के स्टील रिम देखने को मिलती है, 165/17R 14 इंचेस के स्टील रिम देखने को मिलते हैं। डिस्क ब्रेक के साथ गाड़ी में MRF के टायर्स दिए जाते हैं, ORVMs वगैरह आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाती है। गाड़ी की वेरिएंट भाई आती है LXI, VXI, VXI प्लस और ऑप्शनल देखने को मिल जाएगी ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में। गाड़ी उसका ऑटोमेटिक वगैरह भी बहुत रिफाइंड इंजन है, यहाँ पे आप चाबी से ही खोल सकते हो। डोर हैंडल्स आपको कुछ ऐसे दिया जाता है, टेल लैम्प गाड़ी की कुछ ऐसी आती है देखने में, इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी LED वगैरह नहीं दी जाती यार, एकदम एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है। नीचे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में, और क्या चाहिए भाई, सुजुकी का लोगो, बूट को आप चाबी से ही खोलोगे। यहाँ पे एस्प्रेसो की बैजिंग दी जाती है, डिफॉगर्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं बूट स्पेस कैपेसिटी की, तो 240 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी आती है एस्प्रेसो के अंदर। यहीं पे आपको स्टेपनी वगैरह देखने को मिल जाएगी, 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी एस्प्रेसो, वो भी एस्प्रेसो नहीं भाई, लॉर्ड एस्प्रेसो। आइए अंदर देखते हैं क्या कुछ फीचर्स दी जाती है इस गाड़ी के। वो है सुजुकी के तरफ से आने वाली एस्प्रेसो के अंदर पे आपको डोर्स बड़ा देखने को मिलता है, यहाँ पे डोर हैंडल्स ब्लैक में देखने को मिलते हैं। स्पेस कोई भी पावर विंडोज भाई साहब यहाँ नहीं दिया जाता है, पावर विंडोज की प्लेसमेंट अगर की जाती है तो वो यहाँ पे की जाती है, क्योंकि ये गाड़ी रहने वाली है आपकी बेस से एक ऊपर वाली वेरिएंट। यहाँ पे ORVMs आपको यहाँ पे ऑटो एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं, फोल्डेबल नहीं देखने को मिलेंगे। आइडियल स्टार्ट स्टॉप के बटन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, AC के वेंट्स भाई अच्छी लगती है, क्वालिटी खराब नहीं है, बढ़िया लगता है। ये जो चीज देख रहे हो पूरी, आपको राउंड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, SRS एयरबैग्स, दो गाड़ी में एयरबैग्स दे दिए जाते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए जाते हैं, देखो यार कुछ यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दे दिए जाएंगे। सामने कोई भी आपको डैशबोर्ड में इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं देखने को मिलेगा, जो देखने को मिलेगा यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि सुजुकी की तरफ से आने वाली ये सबसे सस्ती गाड़ी है। मतलब मान के चलो एक आपको फील भी दे रही है, प्लस एक अनोखी गाड़ी है, बिकी भी है भाई, ऐसी बात नहीं है नहीं बिकी ये गाड़ी बहुत ज्यादा बिकी है, पर उससे कम। बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ और स्पेसिफिकेशंस की, तो दो आपको ऐसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, बड़ा गोल सा मिनी कूपर का डिजाइन का यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाती है। बीच में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो कि स्पीडोमीटर यहाँ दिखाती है, फ्यूल गेज यहाँ पे मीटर देखने को मिल जाएगा, एवरेज वगैरह सब गाड़ी की यहीं पे शो कर देती है। आपको छोटा सा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, लेकिन भाई एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो इस गाड़ी में सपोर्ट करती है, और स्क्रीन की अगर मैं रिस्पांस बताता हूँ ना तो बहुत तगड़ी वाली रिस्पांस है, ऐसी बात नहीं है। ये वाली जो स्क्रीन आती है ना भाई, इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि सारी सुजुकी की गाड़ियों में आती है, बलिनो वगैरह देख लो, स्विफ्ट वगैरह देख लो, या भाई आप अर्टिगा वगैरह देख लो, बहुत अच्छा रिस्पांस है। छोटी वाली स्कॉर्पियो है गाड़ी, बाहर से भी वैसे ही लगती है भाई, मिनी स्कॉर्पियो। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स दे दिए जाएंगे, बाकी कुछ यहाँ पे ब्लोअर्स के कंट्रोल। नीचे बात करते तो 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया जाएगा, USB के पॉर्ट देखने को मिल जाएंगे, ऑक्स के पॉर्ट, यहाँ पे कुछ स्पेस, दो बॉटल होल्डर, 5-speed का मारुति सुजुकी का बड़ा ही तगड़ा इंजन गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है जो कि बहुत रिफाइन आती है। हैंडब्रेक का लीवर है इधर, तो यहाँ पे कुछ स्पेस, ग्लोब बॉक्स दे दिया जाएगा छोटा सा जो मारुति में आता है। वैनिटी साइड को भी मिरर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इधर, तो देखो यार एकदम छोटा सा लाइट,
कुछ माइक्रोफोन यहाँ पे देखने को मिल जाती क्योंकि ब्लूटूथ से है ना भाई। IRVM आप मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। बात करते हैं इधर तो कोई भी आपको मिरर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ग्रैब हैंडल आपको फिक्स देखने को मिल जाएंगे तीनों डोर्स में। सामने से गाड़ी कुछ ऐसी है, सीट्स इसकी कुछ खास नहीं है भाई, सीट्स एकदम नॉर्मल ही है, कोई भी पकड़ वकड़ के नहीं चलती, पर हाँ कुशनिंग वगैरह बढ़िया है सीट्स की। चलिए बात करते हैं गाड़ी के बैक डोर में क्या कुछ स्पेस दी जाती है और कैसा लगता है बैठने में। यहाँ पे डोर्स में आपको नॉर्मल सा आप हाथ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, विंडो को डोर हैंडल्स आपको ब्लैक में देखने को मिल जाएंगे, कुछ स्पेस दिया जाएगा। स्पीकर्स आपको वहीं पे दो आपको देखने को मिलेंगे, बाकी पीछे कोई भी स्पीकर्स नहीं दिया जाता है इस गाड़ी में। बैक सीट्स पूरी की पूरी भाई फ्लैट है, मतलब तीन जने तो बैठ जाएंगे, दो जनों के लिए ठीक है, और बड़े लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमदायक चीज़ है क्योंकि लेग स्पेस बढ़िया है, थाई सपोर्ट कुछ भी नहीं है, रिक्लाइनेबल सीट्स भी नहीं है भाई, ये चीज़ें। दो फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि हेडरेस्ट के नाम पे कुछ नहीं है। बात करते इधर तो पार्शल ट्रे देखने को मिल जाएगी, सीट बेल्ट्स वहाँ देखने को मिल जाएंगे भाई, यहाँ पे सीट बेल्ट्स लगाने वाली भी चीज़ देती है, वाह भाई बढ़िया चीज़ है ये। उसके बाद बात करते हैं पीछे कुछ भी नहीं, ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, ऐसे कुछ बैक से लगती है गाड़ी। आइए बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग सेगमेंट के लिए। गाड़ी की कीमत 4,26,000 रुपए से स्टार्ट होकर 6,12,000 रुपए तक जाती है। ये VXI प्लस वेरिएंट आपको पड़ने वाली है 5,50,000 रुपए की। वीडियो को जैसा ही था, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें भाई।